रेड सॉस पास्ता और वाइट सॉस पास्ता आप लोगों ने अक्सर खाया होगा, बट आज जो मैं न्यू वर्जन लेकर आई हूँ पास्ता का, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और फ्रेंड्स, बहुत ही स्पाइसी बनने वाला है आज का जो पास्ता है, वो है ब्लैक सॉस पास्ता। तो इसे देखने के लिए मेरे साथ बने रहें वीडियो के एंड तक। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। और फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्वागत है आपका शिफालीज किचन में। मैं भावना गोयल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक पैन लिया है और पैन को हम गैस के ऊपर रख देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 बाउल जो हैं पानी के लिए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ इसकी क्वांटिटी। जिस बर्तन से आप पास्ता यूज़ करेंगे, उसी से ही आपने पानी की मेजरमेंट लेनी है। मैंने 1 कप पास्ता लिया है, तो 2 बाउल मैं उसमें पानी के ले रही हूँ। मैं इसमें 2 टीस्पून जो है नमक ऐड कर रही हूँ और मैं इसमें सिरका का यूज़ कर रही हूँ। आपने मेरी पिछली वीडियो जो है रेड सॉस पास्ता की, उसमें भी देखा होगा, और जिन व्यूअर्स ने नहीं देखा है उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि 2 टीस्पून हम यहाँ पर सिरका का यूज़ करेंगे, वाइट विनेगर जो आता है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 बाउल जो है पास्ता के लिए, अब हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको बॉयल होने तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, इसको पकने में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं और इसको हम अच्छे से एक बार हिला कर रख देंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सब्जियों का यूज़ करने लगे पास्ता में, तो मैंने यहाँ पर ली है थोड़ी सी बंद गोभी, जिसे हम कैबेज कहते हैं, और इसको लंबा लंबा हमने काट कर लिया है, पतला पतला। और ऐसे ही मैंने शिमला मिर्च एक ली है और उसको भी लेंथ वाइज लंबा लंबा काट लिया है। और यहाँ पर प्याज लिए हैं, वो भी लेंथ वाइज काटे हैं हमने बारीक बारीक। और साथ में यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है, लहसुन हमने 15 से 20 कलियाँ लेनी है, उनको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। प्याज मैंने यहाँ पर 2 यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो पास्ता है, देखिए अब बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। प्लीज़, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि पास्ता को आप अच्छी तरह से देखा करें। ठीक है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है जब ज़्यादा फूल जाता है, बट हमें पूरी तरह पकाना इसको सेफ रहता है हमारे लिए, क्योंकि बच्चे इसे चाव से खाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक पैन में ऑयल लिया है, ऑयल के अंदर हम सारी सब्जियाँ जो हमने कट की हैं वो सब हम इसमें डाल देंगे। ऑयल मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लिया है और सारी सब्जियाँ हम इसके अंदर डाल देंगे, सिवाय हमने जो गार्लिक है वो नहीं लिया है अभी, प्याज, शिमला मिर्च और कैबेज ली है। इन सबको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना है, हल्का हल्का इनको, इनमें कच्चापन रहने देना है। क्योंकि पास्ता में जो सब्जियां होती हैं, ज़्यादा गली हुई अच्छी नहीं लगती हैं, खड़ी खड़ी सब्जी ही अच्छी लगती हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें जो लहसुन है हमारा वो डाल देंगे, और मैंने यहाँ पर एक हरी मिर्च ली है जिसे बारीक काट लिया है, उसको हम डाल देंगे। ये पास्ता बहुत ही यम्मी बनने वाला है और आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें घर पर। और कोई कंप्लेंट आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। वैसे तो मुझे पता है कि ये बहुत ही यम्मी बनेगा और आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। फ्रेंड्स, इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, मैंने इसमें 1/2 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है। नमक और मिर्च मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला करें। और मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून काली मिर्च का यूज़ किया है, काली मिर्च इसमें इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। और मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून जो है गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून ही मैंने लाल मिर्च ऐड की है इसमें। स्पाइसी है तो हम इसमें मिर्च का यूज़ थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर काला नमक भी यूज़ कर रही हूँ, और 1/2 टीस्पून ही मैंने काला नमक यूज़ किया है। और यहाँ पर मैं भुना हुआ जीरा यूज़ कर रही हूँ, जो हमने बारीक पिसा हुआ है, वो भी 1/2 टीस्पून मैंने यूज़ किया है। और मैं यहाँ पर जो कसूरी मेथी होती है वो यूज़ कर रही हूँ, वो मैंने 1/2 टीस्पून यहाँ पर यूज़ की है। और इन सब को हम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सब्जी में। और गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो पर रखिएगा, ज़्यादा पकानी नहीं है हमें सब्जी को। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून सॉरी अरारोट पाउडर लिया है, जिसे कॉर्नफ्लोर भी कहते हैं। और मैं यहाँ पर पानी ले रही हूँ इसमें 2 टेबल स्पून, और इसके अंदर हम पहले 1/2 कटोरी पानी की ऐड कर देंगे, सिंपल पानी की, पानी हमने सब्जी के अंदर डाल दिया है, और इसको एक बॉयल्ड आने तक पकाएंगे। और इसके साथ ही हम इसमें जो हमने अरारोट का पानी मिक्स किया हुआ था
वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे क्या होता है कि जो इसका पानी जो हम इसमें डाल रहे हैं वो थोड़ा थिक हो जाता है। बेसिकली जो कॉर्नफ्लोर डाला जाता है इसीलिए डाला जाता है थिक करने के लिए। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ब्लैक सोया सॉस का यूज़ किया है और ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ब्लैक पास्ता तैयार कर रहे हैं, इसलिए सोया सॉस तो लेनी ही पड़ेगी, तो इसका यूज़ कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर हाफ टी स्पून जो है आमचूर पाउडर का यूज़ किया मैंने। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे 2-3 उबाल आने देंगे, एकदम से ये गाढ़ा हो जाएगा, इसकी जो ग्रेवी है काफ़ी थिक हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये एकदम से थिक हो जाती है और ये ग्रेवी ही बहुत टेस्टी बनने वाली है। अब हम इसमें जो हमारा पास्ता हमने रेडी किया हुआ है वो हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए इसका एक एक दाना खिला हुआ बना है, बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपका है। और इसका रीज़न आपको मैंने पहले भी बताया था कि सिरका और नमक जो है ये पास्ते को बिल्कुल ठीक रखते हैं और बिल्कुल भी आपस में चिपकता नहीं है। पास्ता जब आपका गल जाता है, जब पक जाता है, तो आप इसे प्लीज़ एक छन्नी में छान लीजिए, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दीजिए और इसको एक बार ठंडे पानी से जरूर इसको धो लीजिए। अब फ्रेंड्स हमारा ये पास्ता बन के रेडी है और बहुत ही स्पाइसी है, बहुत ही आपको जिसे कहते हैं टेस्टी बना है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय।